दोस्तों प्राइस की इस अपडेट को देखने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लें। तो दोस्तों प्राइस की इस अपडेट में बात करेंगे आज मैटिक नेटवर्क के बारे में और एल्गोरैंड के बारे में। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के डिमांड पर ये वीडियो है और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात करना चाहूँगा कि चैनल को जो बंदे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम उनको हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स मिलती रहें। उसके अलावा जो बंदे व्यूवर्स हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, जो चीज़ समझ में आए ना आए उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैटिक यूएसडीटी का पेयर है, ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम है और जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाके पहले चेक करता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आपके सामने आते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक बात ये बोलना चाहूँगा कि होता यह है कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो लाइव आते हैं, प्राइस के अपडेट भी करते हैं, लेकिन कभी दिखाते नहीं हैं चार्ट को, एनालाइज करके नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर ये चीज़ नीचे अगर प्राइस जाना है या प्राइस ऊपर जाना है तो क्यों जाना है। तो दोस्तों ये जिज्ञासा आपके मन में होती होगी कि सामने वाले ने ये बता दिया कि प्राइस यहाँ से अब जाना है, लेकिन सामने वाले ने ये नहीं बताया कि प्राइस यहाँ से ही क्यों अब जाना है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है, मेरे चैनल का उद्देश्य है कि आपको ये सिखाना कि यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर जाना है, यहाँ से प्राइस क्यों नीचे आना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, आप जाके कंपेयर कीजिएगा मेरे चैनल्स के वीडियो को और बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो को। कभी भी सिंपल सरल भाषा में आपको नहीं समझाने की कोशिश करते हैं। किसी ने पूछा मैटिक का क्या होगा, अब उन्होंने बता दिया मैटिक ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, बंदा ट्रेड लेगा तो कहाँ पर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गई छोटी सी एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैटिक यूएसडी का प्राइस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एल्गोरैंड का करेंगे। तो पहले मैटिक का, तो यहाँ पर आप देखो कि वीकली चार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चार्ट है। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन जैसे जैसे आपको ट्रेडिंग में आप तैयार होते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों कुछ लेवल्स यहाँ पर मैंने प्लॉट करके रखे थे, उनको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। ज़्यादा कुछ है नहीं इसकी प्राइस के अपडेट में, सिंपल और सरल अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कुछ लेवल्स को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये डिमांड जोन है, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा देख रहे हो, ये फर्स्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया था तो ये एक हाई लगाने के बाद प्राइस इसके अंदर आकर वापस फर्स्ट सप्लाई जोन तक प्राइस नीचे आ गया था, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है दोस्तों, ये इसकी सेकंड सप्लाई जोन है, ये फर्स्ट सप्लाई जोन है, ये सेकंड सप्लाई जोन है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद इस तरीके का डबल बॉटम लगाया, इसको बोलते हैं दोस्तों डबल बॉटम, काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है। प्राइस ऊपर निकल गया और सेकंड सप्लाई जोन तक टेस्ट करके प्राइस नीचे आया और वापस अपनी मार्च के महीने में, यानी बिटकॉइन जब डाउन आया था तो ये गिरने के बाद यहाँ से, देखिए बिटकॉइन जब डाउन आया था तो यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तोड़ नहीं पाया, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, चलिए। अब देखिए प्राइस ने ये एक मूव लगाया है, अभी जो मूव लगाया है बिटकॉइन का प्राइस जब डाउन आया था, सारी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस डाउन आ गया था, तो उसके बाद काफ़ी डिप में चला गया था, लेकिन बंदों ने एक चीज़ गौर नहीं की, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, किसी भी यूट्यूबर ने आपको यहाँ पर नहीं बताया होगा कि मैटिक की सप्लाई और डिमांड जोन क्या है। देखिए कल ही मैंने एक वीडियो डाला है सप्लाई एंड डिमांड जोन पर, वो कितना कारगर होता है यहाँ पर आपके सामने है नज़ारा। देखिए ये डिमांड जोन है, ठीक है। अब देखो कि ये डिमांड जोन है, प्राइस कितनी तेज़ शार्प मूवमेंट किया था नीचे,
देखिए कितनी बड़ी विग है इस कैंडल पर, रेड कैंडल पर कितनी बड़ी एक विग है। जितनी बड़ी विग नीचे से ऊपर आई, अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज होता तो फिर प्राइस यहाँ तक कहीं पर देखने को मिलता, लेकिन प्राइस को यहाँ से रिएक्शन मिला, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे। उसके बाद देखिए प्राइस इस जोन से निकल गया, यहाँ पर इसने टेस्ट किया और इस तरह से यहाँ पर टेस्ट किया, और काफ़ी डरावना पैटर्न है दोस्तों मैटिक नेटवर्क पर, एक काफ़ी डरावना पैटर्न है। देखो कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये हाई पकड़ लो, ये हाई पकड़ लो, जिस तरीके से ये डबल टॉप लगा था ना उसी तरीके से, जिस तरीके से ये डबल बॉटम लगा था ना उसी तरीके से ये डबल टॉप लगा रहा है। यहाँ पर प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रेड कलर की हमारी फर्स्ट सप्लाई जोन है, प्राइस के रजिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्राइस को थोड़ा सा यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है। 4 आवर्स पर देखो कितना अच्छे से दिखाई पड़ेगा। देखो ये कैंडल जो दोस्तों है ना, बड़ी जिसकी विग है ग्रीन कलर की, छोटी सी बॉडी है ये दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलते हैं पिन बार, ये बेयरिश पिन बार है। ये बेयरिश पिन बार इसलिए है क्योंकि ये अपनी सप्लाई जोन पे बना है, एक रेजिस्टेंस पे बना है। प्राइस को देखो इसने यहाँ से नीचे गिराया है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखो, ये जो कैंडल छोटी सी बनी है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये जिसकी एक बड़ी सी विग है और छोटा सा एक बॉडी है, इसको भी पिन बार बोल सकते हैं, तो ये प्राइस को ऊपर ले जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वीकली और डेली चार्ट पे आप देखो कि प्राइस आपको एक क्लियर कट एम पैटर्न बनाता दिख रहा है, इसको राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं इस तरह से, तो ये कुछ तो रिट्रेस करता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहिएगा, और वीकली चार्ट पर मैं दिखा देता हूँ कि देखिए जब तक के ये लेवल क्रॉस नहीं करता है विथ क्लोजिंग, जब तक के बाइंग की एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है, ठीक है। ये बात हो गई मेटिक की, क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, प्राइस की अपडेट है, साथ में आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गया तो क्यों गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं एल्गोरेंट पर। तो दोस्तों ये आ गए हम एल्गोरेंट USDT के पेयर में, ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देखो कि हालांकि ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने मुझे एक मेजर लॉस दिया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा चूक गया था उसमें उस वक्त, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप था, तो वहाँ पर मैंने इसको बाइंग कर लिया था, यहाँ कहीं पर थोड़ा सा प्राइस जब ऊपर गया तो मैं निकल गया था, मैं समझ गया था कि यहाँ से ये डाउन में जा रही है बुरी तरीके से। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कितना गंदा चार्ट है ये, प्राइस इस तरह से नीचे आया, प्राइस यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल चार्ट है ये, सिंपल चार्ट है, आप जब इस चार्ट को देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी ट्रेडिंग सेंस होगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बंदे गलती ये कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, तो ये उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। दोस्तों ये गलत ट्रेंड लाइन है जो आप प्लॉट कर रहे हो, ये गलत ट्रेंड लाइन है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह से, देखिए पहले से मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट इसको, ये देखिए मैंने इस हायर पॉइंट को इस हाई से जोड़ा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन है कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर निकला था तो देखिए प्राइस ऊपर यहाँ पे आया है और आने के बाद इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है, ठीक। अब इसको मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ तो रीटेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर विथ क्लोजिंग, यहाँ पर रिटेस्ट करता रहा, इसने एक यहाँ पर एक लेवल बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, प्राइस नीचे गया और एक शार्प पुल बैक मारा, ठीक है, ये लेवल का ब्रेकआउट होते ही एक शार्प पुल बैक मारा। इसी लेवल को आगे बढ़ाते चले जाओगे तो देखोगे, ये देखो पुल बैक मारा, इसी लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट किया था ना यहाँ पर, इसको आगे फिर रिटेस्ट किया, फिर पुल बैक मारा, आया मज़ा। इतने तरीके से, इतने ढंग से, इतने सरल तरीके से कोई समझाता है? ऑनेस्टली बोलना दोस्तों, दोस्तों वीडियो कमेंट में,
आपको एक नज़र में मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। देखिए, मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन और वैल्यूम पर ही चलती है, वो कोई आपको नहीं बताता है। अब देखिए, समझ में आ गई बात। अब वीकली पर चले जाइए, बिल्कुल होल सोल हिस्ट्री इसकी समझ में आ जाएगी। देखो, सिंपल सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये हाई के बाद ये हाई लगा था ना, प्राइस ने ये एक लो बनाने के बाद प्राइस ने जो ऊपर गया है, प्राइस जिगजैग करता हुआ इस तरह से, तो प्राइस ने एग्जैक्ट इसी हाई को टेस्ट किया है ना जाके, समझ में आई बात यहाँ पर। तो आप समझो, अगर ये लेवल टूटता है, अगर ये लेवल टूटता है तो दोस्तों फिर आपको जो लेवल मिलेगा ना, जो टारगेट का जो लेवल होगा वो ये होगा। आप यहाँ पर समझ लो, मोटा मोटा यहाँ पर ये लेवल होगा 0.88। यहाँ पर आप देखो 0.88, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर ये अपने इस हाई को भी तोड़ता है अगर यहाँ पर, तो फिर आपको ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। तो लेवल्स आप अपना डेली चार्ट पर निकाल लेना, वहाँ पर लेवल्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दुर्घटना वाली बात ये समझ में आ रही है कि देखिए, ये जो वीकली कैंडल बन रही है, ये एक तरीके का डॉजी बन रहा है। डॉजी जब भी रेजिस्टेंस पे बनता है तो ट्रेंड को रिवर्स करता है नीचे के साइड, मतलब ट्रेंड को रिवर्स करता है या रिट्रेसमेंट करता है। देखिए, अगर रिट्रेसमेंट होता है तो यहाँ तक होगा और यहाँ से पुल बैक आ सकता है, और ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा जो ब्लू कलर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखना, अच्छे से समझना। अब चलिए, यहाँ से हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो डेली चार्ट पे भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 4 आवर्स के चार्ट पर आप देखो कि ये हाई के बाद ये डाइवर्जन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। डेली चार्ट पर भी इसी तरीके का एक डाइवर्जन बना रहा है ये। किसी भी इंडिकेटर को लगा कर देख लेना, बिना इंडिकेटर लगा कर देख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये डाइवर्जन का ही स्टाइल होता है ऑलमोस्ट। तो चलो, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको समझ में आई होगी। देखिए, प्राइस की अपडेट है एल्गोरेंड और मैटिक नेटवर्क की, लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पर थ्योरी समझाई है ना, वो आप सोचिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि कोई भी यूट्यूबर इस तरह से आपको समझाता है? नहीं समझाता है, क्योंकि उनको आपसे माल कमाना होता है, माल का सेंस पैसा। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बिना लालच के अपडेट होती है जो आपके काम आती है, और काफ़ी ज़्यादा काम आती है। लेकिन जिस तरीके से मैं जितनी ऑनेस्टली अपडेट और जितनी सरल तरीके से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, उतना रिज़ल्ट मुझे मेरे सामने नहीं आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिदम होता है, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो एल्गोरिदम उस वीडियो को ज़्यादा आगे ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, बस इसी उम्मीद के साथ पूरी बात यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन बस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगा नेक्स्ट अपडेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।